दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है OnePlus 10 Pro वर्सेस Samsung Galaxy S22 Ultra स्मार्टफोन। और आपको बताएंगे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में से किसका कैमरा ज्यादा बढ़िया है, किसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है, या ओवरऑल कौन सा फोन यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि OnePlus अंदर हमें 6.7 इंचेस की क्वाड एचडी प्लस LTPO2 फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ Samsung के अंदर हमें 6.8 इंचेस की क्वाड एचडी प्लस डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले के मामले में तो यहां पर भाई दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा तगड़े हैं। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं पिक्सल डेंसिटी की, तो OnePlus फोन के अंदर है 525 ppi आएगी, वहीं Samsung फोन के अंदर है 500 ppi आएगी। यानी कि पिक्सल डेंसिटी के मामले में भाई यहां पर दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा गजब है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो OnePlus का फोन यहां पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ में आता है, जबकि दूसरी तरफ Samsung का फोन गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। यानी कि दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्शन के मामले में यहां पर Samsung का फोन ही विनर है। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपको बता दूं कि OnePlus का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है, जो कि ऑक्सीजन OS 12.1 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ Samsung का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है, जो कि One UI 4.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में भाई यहां पर दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा गजब हैं। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन यहां पर Snapdragon 8 Gen 1 5G चिपसेट के साथ में आते हैं, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों चिपसेट के मामले में भाई दोनों स्मार्टफोन यहां पर तगड़े हैं, सब कुछ ही बढ़िया-बढ़िया मिल रहा है हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर। और आपको बता दूं कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहां पर UFS 3.1 वाले स्टोरेज के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर LPDDR5 RAM को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो आपको बता दूं कि OnePlus के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि Samsung के बैक में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों OnePlus की, तो OnePlus फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ Samsung फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, पेरिस्कोप कैमरा है 10 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो कैमरा है 10 मेगापिक्सल का, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 12 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर भाई Samsung का फोन ही विनर है। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, भाई बहुत ज्यादा होता है 8K तक। और दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन यहां पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की। तो आपको बता दूं कि OnePlus के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ Samsung के फ्रंट में 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि दोस्तों फ्रंट कैमरा के हिसाब से तो भाई फिर दोबारा से दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा तगड़े हैं। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो OnePlus के फ्रंट कैमरा से हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ Samsung के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, लेकिन फास्ट चार्जिंग में यहां पर दोनों स्मार्टफोन में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि OnePlus का फोन यहां पर 80 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि Samsung का फोन सिर्फ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक अच्छी फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेना है ना, तो आप OnePlus की तरफ जरूर से जा सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर NFC को भी सपोर्ट करते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं 3.5mm जैक की, तो वो हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं स्पीकर्स की, तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों सिक्योरिटी की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि OnePlus फोन के 12+ 512GB वेरिएंट की कीमत है 71,999 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Samsung फोन के 12+ 512GB वेरिएंट की कीमत है 111,999 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में किस वाले को बाय करना है, OnePlus को या Samsung को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और साथ ही दोस्तों ऐसे स्मार्टफोन के इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।